गाइस हेलो गाइस मैं कैसी हूँ? तुम बहुत गंदी हो। नहीं अच्छी हूँ मैं। अच्छी ना? मैं तो अभी मैं खाना खाने बाकी है। सो है गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सिलाई का काम। एक्चुअली मैं सारे कुशन कवर और जो भी है कुछ कुछ जो अभी न्यू मंगाए थे ना, मैं दिखाती हूँ कौन से वाले। ये वाले ये सब मतलब पीछे का ये इनका इतना ख़राब निकला है कि अंदर का कुशन भी ट्रांसपेरेंट उसके साथ मतलब देख सकते हैं आपके रेड या पिंक कलर का कुछ अंदर है और बहुत लाइट है। जो पहले मंगाए थे वो बहुत अच्छे निकले थे, ये वाले में बहुत लाइट था तो इसकी वजह से ये फट गया। अब मेरे पास मशीन तो नहीं है, लेकिन मशीन होती तो मैं और अच्छे से कर पाती, बट फिलहाल मैंने काम चलाओ बोले। ये पूरा चैन ना इस कपड़े से अलग यहाँ से एक साइड का हो गया था, तो मैंने हाथ से काम चलाओ कर तो दिए हैं। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकती जब तक मशीन नहीं है, पर मैं मशीन लूँगी क्योंकि मेरे को बहुत नीड है और मेरे को सिलाई वगैरह आती है अच्छे से और मुझे करना भी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि करना पसंद नहीं, मुझे करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो हाथ से ही कर देना है। फटता ही फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा फटता है ना तो फिर फटता ही चला जाता है, फटता ही चला जाता है। इसीलिए सोचो चलो हाथ से कर ही रहे हैं बैठे हैं करने के लिए, तो क्या करें। और भी चीज़ें हैं फटी हुई हैं, जैसे इसके टॉय फट गए थे वो सब धुल जाएंगे तब तक, कपड़े नहीं थे वो भी सब है ना करने हैं। अभी फिलहाल तो मैं ये कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो लाओ वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। खाना तो मैंने अभी बनाने रख दिया है, दाल बनाने रखा है अभी, तो फिलहाल देखते हैं कैसे क्या बनाते हैं। बस ये वाला कर दूँ और वो वाला कर दूँ, दो थोड़े थोड़े से किनारी से निकले हुए हैं ये, फिर उसके बाद आराम से खाना पीना भी कर देंगे। और बाहर भी हो रही है बारिश और ठंडा ठंडा मौसम, तो ठंडे ठंडे मौसम में तो वैसे खाना तो चाय पकौड़ा चाहिए, पर हम लोग दाल चावल ही खाएंगे। चलिए ये सिलाई कर लेती हूँ फटाफट से पूरा, मुझे आता है हाथ से भी सिलाई आता है और वैसे भी आता है। सो गाइस आज हम बनाएंगे साबूदाने का खीर, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 किलो समथिंग दूध मैंने नाप के तो नहीं है लेकिन वैसे ही चढ़ा दिया है मैंने इसको, और गैस फुल करके इसमें उबाल आने दूंगी। और ये है साबूदाना, ये 100 ग्राम साबूदाना है, 1 किलो में 100 ग्राम पड़ जाते हैं, तो ये 100 ग्राम साबूदाना है। साबूदाना को हमको उबाल आ रहा है, तब तक तो नहीं कुछ करना, जैसे उबाल आ जाए उसके बाद फटाफट से 2-3 बार वॉश करके और इसको अच्छे से हमें कढ़ाई में डाल देना है। मैंने वॉश कर दिया है और कढ़ाई में मतलब डाल दिया है। अब क्या है, डालने के बाद ना इसको थोड़ा सा चलाते रहना है ताकि गांठें ना पड़ जाएं, गांठ पड़ने से वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से साबूदाने और किचकिचे मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो चुपके ना और ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए आपको बस चलाते रहना। और जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना दूध में, वो क्या था थोड़ा सा दूध ना नीचे कढ़ाई में लग गया था, तो वही है। तो इसको बस लगातार आपको चलाते रहना है लगातार, जब तक थोड़ी देर लाइक समथिंग एक उबाल और ना आ जाए इसमें थोड़ा सा, बस ऐसे। और एकदम धीमी आँच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं। और मैं भी कोई शेफ़ नहीं हूँ लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही बना रही हूँ और अपनी दादी से पूछ के मैंने आज ये बनाई है खीर कि कैसे बनाते हैं, तो क्योंकि साबूदाना खीर मैंने कभी नहीं बनाई, सिर्फ खाई है। और ये मेरी खीर बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। उबाल आने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और इसको होने देंगे गाढ़ा। और ये देखिए गाढ़ा होने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी खीर दिखने वाली है, बहुत ही लुक यम्मी यम्मी टाइप दिखेगा एंड मन करेगा बस खा जाओ इसको अभी अभी। देख सकते हैं कितना गाढ़ी हो गया। अब इसमें हम ऊपर से गैस बंद करने के बाद, ऊपर से मतलब गैस बंद करने के ज़्यादा तो ज़्यादा वेट नहीं करना, लाइक समथिंग 2 मिनट बाद ही आपको चीनी डाल देना है। और चीनी के साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने चाहिए, अगर मखाने डालना चाहिए तो मखाने, नहीं तो किशमिश काजू ये सब। तो मैं यहाँ पे किशमिश बादाम एंड पिसी हुई इलायची पाउडर ये और डालूंगी इसमें, और चीनी ये सारी चीज़ें डालूंगी बस। एंड देख सकते हैं लुक यम्मी।
का ये वाला ले 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 ये वाला। नानो की छोटी सी याद वापस आ गई। हाड़ियों ने आज ही ठीक करी है मैंने सिल के मेको नहीं फाड़ना नहीं, मम्मा ने धो के सिल के साफ करके अच्छे से नहीं फाड़ ये नहीं रहने देगा मेको। मैंने धो के सारे सिले हैं, फाड़ नहीं, बिना फाड़े थोड़ी ना रहेगा। दे दे उसको पांडू, दे दे पांडू, ये देख ले। दे दे उसको पांडा, दे दे, ले लेगा छीन के। गाइस मैंने आज ही आप लोगों को दिखाया कि मैंने ये और इसका एक वहीं कहीं पड़ा होगा पांडा, वो पांडा दोनों धो के अच्छे से क्लियर करके देख कैसे रहे, मेरे को धो के अच्छे से सिल विल के डाले थे और इस गधे ने पूरा फाड़ दिया। मुझे फाड़ा कहाँ से, इधर से जहाँ से सिला था, बेटा मेरे हाँ आते हैं, फाड़ दिया, खुश हो, लो फटे में ही खेलो। ये कह दिया मिक्कू, क्यों गधेड़े, पूरा गधेड़ू है ना, पूरा एक नंबर का गधेड़ू है ना। अभी पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे, हाय कैसे बोल रही हो तुम, ऐची कैचे बोल रही हो तुम, गधा क्यों बोल रही हो। कोई बात नहीं, ये गधेड़ू है ही है, इसको मम्मा ने छिलके दिया था कि मम्मा छिलके देगी, मैंने सिलके अच्छा करके वो नाई नाई करा के क्लीन करके दिया था ना, और तुमने क्या किया, ये पूरा रुई निकाल के सत्यानाश कर दिया है। ये क्या किया मेरे को, ये क्या, इधर बैठ, पीछे बैठ, मेरे से थोड़ा पीछे बैठ, मेरी गोदी में मत आ। तूने कोई महान काम नहीं किया जो मैं तुझे प्यार करूंगी, क्या किया ये, ला डंडा, ला डंडा लाया जाए मेरे को, ला डंडा इधर, क्या किया ये, क्या किया ये, क्या ये सब, ये किसने किया, ये क्या, ये इधर इधर मुंह दिखा, इधर क्या ये सब, मुंह क्यों नीचे कर रहा है, ये सब क्या है, के रुई फेंक दूं तो खाली कवर से ही खेलने लायक है, तू खाली कवर से खेल, ठीक है, पूछ हिलती जा रही है। शैतान छोकरो है जी, शैतान छोकरो, पूरा शैतान छोकरा है, शैतानी शैतानी बुबड़ू बुबड़ो 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 बुबड़ो, मेरे को हंस हंस, मेरे को हंस हंस जा, ना हाँ बात, चल पीछे चल पीछे चल चल। आज व्लॉगिंग का कुछ और ही इरादा था, व्लॉगिंग हो किसी और ही ढंग में रही है, और ये देखिए कीड़े आने लगे भाई, बालकनी का गेट खुला रहता है तो कीड़े आने लग जाते हैं, मैंने तो कितनी मुश्किल से बाहर निकाले हैं, आते कैसे हैं, और उस दिन के ईयर मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं उस दिन से ईयर रिंग धोए हैं, ये यहीं टांग दिए, मुझे अच्छे लग रहे हैं ये यहाँ टंगे हुए, इसलिए मैंने सोचा अगर टंगा रहने दो बाद में निकाल लूँगी, ये यहीं टांग दिए हैं। और आज एक और नुकसान हो गया मेरे से कि ये मैं लगा रही थी तो ये यहाँ से टूट गया, तो वो मैंने सिर्फ ऐसे हिलगा दिया है, वो लगेगा, और यहाँ का भी जो टेन इन्हें तोड़ गया तो वो कर्टन भी लगेगा, और हमारी मेरे उन्हें फाड़ दिया, मैं क्या करूँ, सोचो ये फेंकना ही पड़ेगी, पूरी रोई फेंक दूंगी, खाली कवर दूंगी इसको खेलने के लिए। एक्चुअली मैंने ये दोनों जो है स्माइली और ये टेनी के सारे टॉयज ही सब धोए थे, सिले थे, जो भी उधड़ जाते हैं, तो फिर मैंने ये टांगने गई तो वो निकल के आ गया, मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ, इतनी परेशान हो गई, क्या क्या सिलूँ, क्या क्या करूँ, एक काम करते हैं दूसरी तरफ से फट जाते हैं।
और आज मैंने बहुत 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 दिन बाद साबूदाने की खीर बनाई थी। साबूदाना खीर मुझे मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही बनाई है, खाई बहुत दिन बाद है, और सीरियसली मुझे साबूदाने की खीर इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। बट चावल की खीर जब कोई बनाता है ना मुझे नहीं भाती। मेरी मम्मी पहले मेरे लिए साबूदाना खीर बनाती थी, तो मुझे साबूदाने की ही खीर, खिचड़ी ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बट चावल की खीर मुझे जितनी नहीं अच्छी लगती है। वैसे तो मुझे मीठे से ही ना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, लेकिन साबूदाना खीर मैं खा सकती हूँ, वो भी इतना नहीं, और बहुत ही यम्मी एंड गाढ़ी बनी है, गाढ़ी गाढ़ी बढ़िया बढ़िया। मैंने जब खीर बनाई थी चावल की तो थोड़ी सी पतली रह गई थी, तो बोला भी था कि इतनी पतली खीर कौन खाता है करके, बट अभी दिखाती हूँ, बहुत ही यम्मी है देख के, सीरियसली दिखाती हूँ। ये देखो मेरी यम्मी यम्मी साबूदाना खीर है ना, डिलीशियस, ये देखो है ना, बढ़िया है एकदम, बहुत ही यम्मी बनी है, सीरियसली बोल रही हूँ। मुँह क्या देख रहा है, मुँह क्या देख रहा है, मैंने झूठा नहीं किया है ना, चम्मच से खाया, चम्मच से टाटा दिया, जस्ट लिया था, मुँह में पानी आ गया ना उसको देख के, इसलिए लिया खाया। ये देखिए ये रहा पांडा, इसको भी मैंने सिलाई था, अब इसे बाहर दे, इसके रुई निकाल दे, ठीक है, बहुत टेस्टी बनी है, सीरियसली बोल रही हूँ गाइस, बहुत यम्मी है। सो कल से है, आज है चतुर्थी और कल है पंचमी, और पंचमी के दिन हमें जाना था आज इनके लिए कपड़े देखने, लेकिन सर पे टाइम नहीं था, तो कल जाएंगे, और वहाँ के दो तीन अगर ठाकुर देखने को मिल गए तो देख के वहीं के में आ जाएंगे, और नियम क्या निकले हैं रूल्स अभी तक नहीं पता चले, ये रात को आएंगे तब रूल्स सारे पता चलेंगे मुझे अच्छे से। अभी सिर्फ इतना पता है कि जो पंडाल में जो लोग रहते हैं ना मंडप में, वो 20 से 25 या 27 ऐसे लोग रहेंगे, नाम उनका टंगा रहेगा, सिर्फ वही जाएंगे, दूर से देखेंगे लोग, अंदर पास नहीं जा सकते हैं, ऐसा करके ये है, शायद इतना तो पता है, बाकी का पता नहीं मुझे। और अभी मुझे फ्रिज पूरा क्लीन करना है अपना, एंड फ्रिज के साथ साथ मुझे क्लीन करना है अपना क्या बोलते हैं उधर का टैनी का जो टेंट हाउस है उसमें कबाड़ कर दिया टैनी ने, सारे टॉयलेट थी इधर उधर, यहाँ पे भी फैलाए हैं, वहाँ पे भी फैलाए हैं, वहाँ पे भी फैलाए, मतलब उस रूम में दो जगह फैला के रखे हैं, यहाँ पे भी फैला रखे हैं। लड़की मेरा घर का ऐसा कर देती है कबाड़ा, मैं सोच रही हूँ इसका यहाँ से किचन सेट हटा के उसी रूम में शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे ना ये बहुत कबाड़ा फैलाती है, ये मानेगी नहीं फिर भी, ये फिर भी इसी ड्रेसिंग टेबल के आगे देखो अभी भी रखा है, उसे अपना सारा सामान ऐसे सजा के रखती है, और ऊपर से ये और टूट गया तो बुरा और लग रहा है, मतलब कुछ भी करने जाती हूँ कुछ ना कुछ स्यापा हो ही जाता है मेरे साथ, और अब कितना शांति से बैठा है फाड़ फूड़ के, है ना, फाड़ फूड़ के कितना शांति से बैठा है, ये देखो वो अब शांति से बैठा है, बालकनी बंद करके रखी क्योंकि इधर से सारे मच्छर मच्छर से आ रहे थे। सो देखते हैं हस्बैंड का रिएक्शन, देखें, हस्बैंड ने एक चम्मच खाई थी लेकिन रिएक्शन नहीं बताया था क्योंकि मेरा झगड़ा हो गया था, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत तो झगड़ा चलना ही चाहिए, तो हो गया था, लेकिन देखते हैं कैसा बताएंगे खा के खीर कैसी बनी है। और आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसन बनाया मतलब कढ़ी और रोटियाँ बनाई हैं, और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है कल की, पत्ता गोभी आलू की, तो वो खा लेंगे, और खीर हो गई, तो यही आज का हमारा डिनर है, और दैट्स इट, और अब हम देखेंगे सीरियल, और आपको मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स, बस प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहिए मुझे, एंड बस सपोर्ट करते रहिए। गुड मॉर्निंग, सो आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होगी बिकॉज फैन चल रहा है इसको, तो आपको सो रही है हमारी छोटी, और थोड़ा ज़ोर से बोलूँ, ऐसी फ़ैन की वजह से आवाज़ नहीं आएगी, और इतना धीरे बोलूँगी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे पहली अपनी मॉर्निंग की चाय, मेरे मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरत भी है इसको, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं मॉर्निंग की चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे अगर चाय नहीं मिली मॉर्निंग में तो मेरा जो हेडेक है ना वो साथ में आसमान में पहुँच जाएगा, इतना गंदे तरीके से हेडेक होता है ना मुझे, फिर मैं बर्दाश्त के बाहर हो जाता है,
चाय चाहिए चाहिए, इसलिए मेरी ये प्यारी चाय मैं सुबह सुबह इंजॉय कर रही हूँ। और हस्बैंड जा चुके हैं, अभी 9 बजे नहीं है, 9 बजने वाले हैं, हस्बैंड जा चुके हैं। आज है पंचमी यानी कि नवरात्र का 5वां दिन। सो अच्छा लग रहा है, आज पंचमी है, कल षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो चले हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर लेते फटाफट से। आप लोग मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के क्या करना पसंद करते हैं, मतलब ब्रश वगैरह छोड़ के, मतलब कौन 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 क्या क्या पीता है, लाइक कोई भी पीता है? कल मैंने एक जोक भी पढ़ा था फेसबुक में कि एक सादा बिना दूध बिना चीनी की चाय पीने वालों खाली पत्ती चबा लिया करो। तो आप लोगों में से कौन कौन क्या क्या करते हैं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे सुबह की चाय के साथ साथ इतना बढ़िया और इतना ब्यूटीफुल लुक देखने को मिल जाए ना, मॉर्निंग का व्यू देखने को मिल जाए, तो बात ही कुछ नजर आ लिया। आप लोग देख सकते हो खुद ही कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये वेदर, राइट? सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आई बालकनी में, देखा ये ऐसे कैसे, मतलब पूरा आसमान नीला और ये सारे बादल उधर जाके इकट्ठे हो गए। अगर मैं इन बादलों में घुस गई तो खो ही जाऊँगी, ऐसे ऐसे घूमती ही रहूँगी इधर से, पूरे मतलब उधर जाके ही बैठ गए सारे। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सीरियसली, मेरे घर से, मेरी बालकनी से जो मुझे लुक देखने को मिलता है ना, मैं खुश हो जाती हूँ उसको देख के। आप लोग भी आई एम श्योर खुश हो गए होंगे, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। अब आज मुझे मजबूरी में मैंने सोचा था 2-3 दिन या नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी करके, बट मुझे मजबूरी में जल्दबाजी से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रिय पति देव ने फ्रिज में कल दूध फैला दिया। मतलब सच में हद है, दूध फैला दिया। कैसे? उनको बोला था जाओ फ्रिज से सब्जी निकाल दो। कहाँ है करते हुए, कहाँ है सब्जी। लो, हो गया सब्जी का बेड़ा गर्क, फैल गया। और अभी धूप भी थी, अब धूप भी नहीं है, धूप भी चली गई, सिर्फ वेदर अच्छा हो गया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी लोग उसे ना कोई काम के लिए बोलो ना सब बिगाड़ के रख देते हैं, पुतल पुतल कर देते हैं। क्यों? ठीक बोला ना, तुम भी हो, तुम भी बहुत काम लगाते हो, देखो अभी काटे रहोगे। और कल मैंने नेल पेंट लगा ही ली थी, मैंने कहा आज देखो पंचमी है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कहीं पे भी, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इनके टी शर्ट्स वगैरह मुझे लेने जाना ही है, ये जाएंगे तो कोशिश जाएंगे तो बाहर। तो नेल पेंट लगा लिए मैंने कुछ इस तरीके से, देख रहा फोकस नहीं कर रही है नेल्स पे, नहीं करना उसको, तो वही है। और अरे बाबा रे, मेरा टिश्यू भी खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, दिमाग में नहीं रहता। और कल खीर नहीं थी, हस्बैंड ने खाया तो हस्बैंड का रिएक्शन तो नहीं देख पाया, लेकिन हस्बैंड ने बोला है कि खीर अच्छा बना है, बस थोड़ा सा मीठा हो गया है। तो मैंने कहा चलो मीठा ही तो हुआ है ना, फीका नहीं हुआ है, मीठा हो गया चलेगा, कोई बात नहीं। फिर खा ले, बहुत अच्छी बनी है, खुद से खुद की तारीफ कर ले रहे हैं, कोई है नहीं है तारीफ करने वाला, है ना? हाँ, देखने में आप लोग बोल देते हो कि अच्छा बना है, अच्छा बना है। सो चलिए इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं, मे बी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा। और मेरी वीडियो पे जो भी चीज़ अच्छी लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा, जो चीज़ अच्छा नहीं लगे तो उसके लिए भी मुझे प्यार से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? प्यार से जैसे ये देखो चुपके हमारी बातें सुन रहे हैं, हैं चुपके बातें सुन रहे हैं, ये मासूम सा मुंह मत बनाया कर, मतलब ये नहीं है कि जाके सो जाए, बैठ जाए, जो करना है करे, लेकिन नहीं, वहाँ बैठ गया है, मेरी बात सुन रहा है, आ गया मेरे पास, चिरकुट है मेरा, चिरकुट। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, काम वाम करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय। गाइस, आज हम बात करेंगे टैम्पोन के बारे में। टैम्पोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पीरियड्स में यूज होता है। टैम्पोन आप पिक देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है, इसको हमें अपने वजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है। और ये पूरा आप अगर मान लीजिए नॉर्मल आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप इसको 8 आवर तक यूज कर सकते हो, नहीं तो 12 आवर तक यूज कर सकते हो। वो आपको महसूस होने लगता है कि आपको ये
निकालना है या क्या करना है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक एक कि पैड से आपको रैशेज होते हैं, आपको पता चलता रहता है कुछ रैशेज हो रहे हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप जैसे कि मान लीजिए ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं एंड और भी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो इसका टैम्पॉन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके।